संजीत जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कितने एक्साइटेड हैं आज की शाम को लेकर आप लोग, और कौन कौन से गानों पर परफॉर्मेंस करने वाले हैं आप लोग? I'm of course excited because Valentine's event है and Valentine's में हम perform ना करें तो हो नहीं सकता. So it's nice way to celebrate. It's nice way to meet everybody because it's a day of love and we want to celebrate love and enjoy being loved by everybody. And it's a medley of lot of songs, no, Sanju? Yeah, it's a medley of lot of songs. हम बहुत सारे Bollywood filmy romantic songs पे भी dance करने वाले हैं and obviously Valentine's Day मेरे लिए तो बहुत special हो जाता है because I'm dancing with my husband. So it's going to be a great performance and I hope you guys like it. हम सब गाने पे किए but इनका एक favorite गाना था. Which one is her favorite song? She wanted us to dance on Hamma Hamma. No, no, not. No, but I'll just say yes. That's your favorite song. No, Hamma Hamma because Hamma Hamma it's a Hum Tum Night. Correct. That's why. Hum Tum Night है. Even I like that song. So yeah. फातिमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? ये सब कुछ आपने ऑर्गेनाइज किया है तो कितनी एक्साइटेड है या कुछ नर्वसनेस है आज की शाम के लिए? नर्वसनेस तो है बिकॉज इट्स माय फर्स्ट इवेंट एंड आज की शाम लेके बहुत से एक्सपेक्टेशन है मेरे. फातिमा का पहला इवेंट है एंड शी हैज डन अ वेरी गुड जॉब एंड उसने प्रॉमिस किया साल के 50 इवेंट्स करेगी. इंशाल्लाह. मेरे दीवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वैलेंटाइन डे को? आज प्रेम दीवानों को, प्रेम दीवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे लिए प्लीज बताइए अपनी दीवानगी के बारे में. बस जस्ट हैव फन एंड मुझे लगता है कि वैलेंटाइंस डे रोज होना चाहिए. Everybody should spread love every day. Peace should be every day and bas enjoy yourself. I don't think Valentine's Day sirf premium ke liye hota hai. I mean it can be celebrated with everyone. You can celebrate Valentine's Day with your father, with your daughter, with your mother. So happy Valentine's Day to everyone. So and just spread love. Please please spread love and happiness. Aur aap logo ka kya kuch specific plan hone wala hai Valentine's Day ke liye? Bilkul. हम यहाँ पर celebrate कर रहे हैं एक साथ आप सबके साथ and then इसके बाद हम private dinner के लिए जाएंगे. शादी के बाद में इम्प्रूव हो गया, सुधर गया यार, मुझे सीधा कर दिया गया. पहले थोड़ा सा यू नो योर मैन, थोड़ा तुम सोच रही नहीं ये सब चीजें ठीक नहीं है, कैजुअल रहो. शादी के बाद अपना थोड़ा सा पता नहीं हो गया प्यार, ऐसा लगता है कि शादी थोड़ी पहले भी कर लेता चल जाता है. हो जाता है ना शादी के बाद थोड़ा आदमी चेंज हो जाता है, सॉफ्टर हो जाता है, पफी हो जाता है. मैरिज से पहले का वैलेंटाइन डे बताएंगे सर कुछ? मैरिज से पहले के वैलेंटाइन डे ऐसे ही थे यार, वी यूज्ड टू ऑलवेज बी टुगेदर. आई थिंक इसलिए हम एक साथ है, इतने खुश हैं क्योंकि हम हमेशा एक साथ एक दूसरे के सामने बहुत रियल रहे. सो अगर बाहर जाने का मूड था तो बाहर जाते थे, ट्रैवल करने का मूड हो तो बाहर ट्रैवल करते थे, एंड कुछ नहीं करने का मूड तो कुछ नहीं. सो वी यूज्ड टू ऑलवेज बी रियल विद ईच अदर. ये एक ट्रिक है कपल्स, इफ दे वांट टू बी हैप्पी टुगेदर, ये एक ट्रिक होता है दैट यू हैव टू बी रियल विद ईच अदर. अगर आप एक दूसरे के साथ अगर खुश हो और रियल हो ना तो सब स्मूथ जाएगा. ऐसा एंड संजीता जी, एक सवाल आपसे ये कि आज के दिन मतलब वैलेंटाइन डे के दिन कुछ डिमांड करती हैं आप आमिर से कि? नहीं, डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज आमिर नोज कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, सो ही कीप्स दैट इन माइंड. एंड आमिर को सरप्राइजेस देने बहुत अच्छे लगते हैं, सो आई एम होपिंग फॉर अ सरप्राइज ऑन वैलेंटाइन डे. यार एक आखिरी सवाल ये कि टुडे इज किस डे? अच्छा कितने सारे दिन है यार फरवरी में, किस डे? चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, टेंशन डे. सॉरी मैं ये इतने सारे डेज के खिलाफ हूं. कॉलेज वॉलेज में ठीक है, अच्छा लगता है. ओ कॉलेज में एंजॉय किस डे? मे बी कॉलेज इट्स अ किस डे. लेकिन किस डे तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब बहुत सारे टेडी बेयर डे चॉकलेट डे से बहुत हो गया ना, तो मैं मुझे समझ में नहीं आता ये सब. वैलेंटाइन डे एक है जो मुझे बचपन से पता है कि एक वैलेंटाइन डे होता है एंड सब मनाते हैं. मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि एवरीबडी शुड सेलिब्रेट डे ऑफ लव एवरी डे. थैंक यू.